हाँ ये देखिए, आने दीजिए, ये देखिए एक बच्ची यहाँ 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 बैठा, यहाँ कर दीजिए, हाँ ये देखिए, एक 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 मिनट, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एक जो है यहाँ पर कन्या मौजूद है, भारत माता का रूप लेकर के आई कन्या, क्या नाम है बेटा? शिव्या जोशी। कितने साल के हो? सेवन ईयर्स के हो। कौन आया था आज यहाँ पर? मोदी जी आए थे। जानते हो मोदी जी को? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है, तो एक बार जोरदार तालियां छोटी बेटी। देखा मोदी जी को? देखा आपने? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने मेरे पे दो बार फूल डाले। अच्छा, फूल भी फेंके मोदी जी पे। आज मुझे बहुत मजा आ गया है मध्य प्रदेश पे। हाँ, कौन आया था? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन है? नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। तेज आपको नजर आएगा, ये बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं हमसे बात करने का। क्या नाम है आपका? कार्तिक शर्मा। कितने साल के? 12। 12 साल के हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवंथ। मोदी जी को देखने आए थे? हाँ। देखा मोदी जी को? हाँ। हाथ हिलाया? हाँ। क्या लग रहा है अभी मोदी जी के बारे में, क्या क्या जानते हो? खुशी हो रही है मोदी जी से मिलकर। खुशी हो रही है मोदी जी को मिलकर। पीएम हैं देश के। हाँ। कुछ यहाँ पर और भी बहुत लोग हैं, बच्चे भी कुछ कहना। एक मिनट, हाँ अपना चेहरा तो दिखाओ, क्या नाम है आपका? रुद्रांश सेवलिया। कितने साल के हो? 9। 9 साल के। ये आपने खुद बनाया है यहाँ पर? यस। वेलकम टू इंदौर मोदी जी। देखा आपने मोदी जी को? यस। कैसा लगा मोदी जी, दिखे यहाँ पर अच्छे से या नहीं दिख पाए? अच्छे से दिखे। अच्छे से दिखे। हाँ, क्या कहना चाहते हो, जानते हो कुछ मोदी जी के बारे में? हाँ। क्या बताओ कुछ? वो देश के प्राइम मिनिस्टर है। देश के प्राइम मिनिस्टर है। जोरदार ताली। कांग्रेस की छुट्टी, पीएम आ गए, कांग्रेस की छुट्टी हो चुकी है। कांग्रेस दौड़। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 150 सीटें ला रहे हैं, एक भी सीट कम नहीं लाएंगे। सब हवाबाजी है, कुछ सीट भी नहीं लाएंगे, 10% सीट भी नहीं आएगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी हार रहे हैं और बीजेपी जीत रही है। राहुल गांधी अब पुरानी बात हो गई। मोदी जी यानी मोदी जी, मोदी 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 मोदी। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राहुल गांधी जी पाकिस्तान में सीटें लाएंगे या नहीं मिल सकती उनको? हाँ, पाकिस्तान में सीटें मिलेंगी। जो भारत में रह के फिलिस्तीन का समर्थन करे हम उनको नहीं आने देंगे। सिर्फ मोदी यानी मोदी। जय जय सियाराम। इटली जाए वो इटली संभाले, या तो मोदी जी ही है वही संभालेंगे। बार बार इंदौर आते रहे, ऐसा हमारी ऐसा ही सोच है कि मोदी जी हमेशा इंदौर आते रहे। साल में कम से कम 10 बार मोदी जी को इंदौर आना है, ऐसा ऐसा है। बहुत अच्छा लगता मोदी जी से मिलके। आज इससे पहले बैतूल में भी थे पीएम मोदी, और राहुल गांधी पर तंज भी कसा इन्होंने, क्योंकि राहुल गांधी यहां पर आए थे मध्य प्रदेश में और कह के गए कि सब फोन जो है वो मेड इन चाइना है, यहाँ पर सबके पास मेड इन चाइना फोन है। तो पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल प्रोडक्शन का देश बन गया है। राहुल गांधी को ये नहीं दिखता, झूठों के सरदार हैं राहुल गांधी। आपकी क्या प्रतिक्रिया? राहुल गांधी बिल्कुल अंधे हैं। राहुल गांधी खुद चाइनीज है, मिलावटी, पूरा परिवार चाइनीज है। वो इटली आए हैं, उन्हें यहाँ का कुछ पता है ही नहीं। वन वर्ड, मोदी है तो जीत मुमकिन है। मोदी 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 मोदी। लेकिन कमलनाथ जी तो प्रयास कर रहे हैं 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री बनने का। वो सपना देख रहे हैं, सपना देखने दो। वो तो कह रहे हैं मामा तो गए हो। मामा तो यही है, कमलनाथ जी। मामा नहीं गया, मामा नहीं गया, मामा नहीं गया। मामा जी आएगा, 10 बार आएगा मामा जी। कमलनाथ को, कमलनाथ को बोलो सपना देखना छोड़ दे। 2023 के बाद में 2024 की तैयारी, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लेकिन दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं 18 साल में तो काम कुछ नहीं किया है मामा ने, चौपट में पागल है, पागल कर के बाद में छटिया जाता है आदमी। तो वो गलत, वो जो भी बोल रहे हैं, काम किया मामा ने, बहुत मामा ने बहुत काम करे, बहुत काम किया। सड़कों का जाल बिछाया, जो कांग्रेस की सरकार में गड्ढे थे वो मामा ने ही सरकार। दिग्विजय सिंह तो पागल हो गया, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी। और कमलनाथ जी भी दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बोल सकता है। अरे 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री बन रहे, वो जो पागल होते हैं ना, वो 3 दिसंबर क्या, कोई सी दिसंबर भी आ जाए वो आगे नहीं आ सकते। उनका गया समय, उनका समय गया है, अब वो नहीं आ सकते।
कांग्रेस का विदाई हो चुकी है और होने वाली भी है। आप बताइए, हाँ। आज का जो रोड शो है ना, इसमें एक भी पब्लिक ऐसी नहीं थी जो पैसे देके लाई हुई है। राहुल गांधी का रोड शो होता तो सबको पैसे देके लाया जाता, क्योंकि कोई स्वेच्छा से नहीं आता है, सब मन से आए और सब मोदी के हैं। नीतीश कुमार का बयान सुनो आप, एक मिनट, एक मिनट, पटना के नीतीश कुमार का बयान सुनेंगे, इतना गंदा बयान दिया है, पूरी पार्टी के 12 बजा दी उन लोगों। पटना के वो तो ख्वाब में है प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे उन्होंने जो बयान दिया है पूरा गठबंधन खराब कर दिया, पूरा गठबंधन। राहुल गांधी प्रधानमंत्री, राहुल क्या कर लेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या कर लेंगे। मित्रों, ये मोदी है, ये राहुल गांधी जैसे मोदी है। दिग्विजय, आ रहा हूँ। दिग्विजय सिंह ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि शिवराज सिंह चौहान ने कुछ काम नहीं किया 18 साल में। अरे हमको तो बहुत अच्छा लगा काम करा उन्होंने। अरे तो ठीक है, चलो वो क्या काम करेंगे, हमें फ्रीबीज देंगे, क्या देंगे हमें, सब्सिडी नहीं चाहिए हमें सब्सिडी। कांग्रेस ने 70 साल में क्या करा, पहली बात तो हम। आपने देखा होगा, एक मिनट, आपने दिग्विजय सिंह का कार्यकाल देखा? बिल्कुल देखा। कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने वो कुछ नहीं रहती थी, लाइट ही नहीं रहती थी सर। 20 साल में ऐसा रोड शो नहीं हुआ है, 20 साल में ऐसा रोड शो नहीं हुआ है। काम किया कुछ मामा ने? मामा ने बहुत काम करा है, बहुत काम करा है मामा ने, बहुत काम करा है। इंदौर को आज कहां से कहां पहुंचा दिया इंदौर वासियों ने मिलके मामा के संग। अच्छा, वैसे अब तक मैं ये जिक्र करना भूल गया, ये छठी बार लगातार इंदौर शहर को स्वच्छ शहर का पूरे देश में, एक बार जोरदार ताली आपने लिए बता दी। सातवां भी मिलेगा, सातवां भी मिलेगा और आठवां भी मिलेगा। रात में दिवाली वाले दिन सारे किन्नर जवाहर मार्ग में झाड़ू लगा रहे थे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है इंदौर के लिए। हाँ, आज राजवाड़ा के इस ऐतिहासिक रोड शो में पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी खबर रही है। मोदी जी आज अपने इंदौर में आने के बाद जो है पूरा माहौल चेंज हो गया है। आज बीजेपी का जो है 2/3 बहुमत प्राप्त होएगा और आज ये राजवाड़ा पे से जो ऐतिहासिक आज राजवाड़ा से जो ऐतिहासिक रहा है उससे पूरा माहौल बदल गया है। और ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी कैलाश जी और उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, क्या कह रहे हैं? मोदी देश का शेर है, जिंदाबाद मोदी जी, जिंदाबाद। बहुत से युवा यहाँ पर मौजूद हैं, युवाओं से अभी एक बार चर्चा की जाए। देखिए, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं युवा हमारा साथ दो, 3,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। अभी तक के कौन सा भत्ता दे दिया इसके पहले? 4,000 नहीं मिला पिछली बार, किसको दिया? कोई है कोई? हमें तो नहीं मिला। हमें कांग्रेस चाहिए ना, हमें चाहिए कुछ ना, पैसा चाहिए हमें, ओनली फॉर बीजेपी चाहिए और कैलाश विजयवर्गीय को भारी मतों से विजय बनाना है। आज आप देख सकते हैं कि ये प्रचंड भीड़ जो आपने देखी होगी, आज जन सैलाब उमड़ा है मोदी जी को देखने के लिए, और इसका पूरा जो जाएगा पूरा बेनिफिट पूरी भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। 9-0 से विजय प्राप्त करेगी भारतीय जनता पार्टी। आपका क्या नाम है? प्रमोद जोशी। प्रमोद जी यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी है 62। 62। हाँ। क्या काम करते हैं सर आप? मेरा सर बिजनेस है। बिजनेस है? किस चीज का बिजनेस है? प्लास्टिक का। प्लास्टिक का बिजनेस है? तो दोनों सरकारें देखी आपने अच्छे से? बिल्कुल देखी दोनों अच्छे से। तो दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आके कह रही हैं कि काम तो कुछ नहीं करा है शिवराज सिंह चौहान ने, सब तो दिग्विजय सिंह करके गए थे, रोड वो बना के गए थे, कह रहे हैं क्या कहेंगे? जनता देख रही है साहब, जनता को सबको विकास दिख रहा है, जो दिख रहा है विकास। उस समय कैसा था दिग्विजय सिंह के समय? दिग्विजय सिंह का गड्ढे राज था ना। ये मोदी का आवाज सुना आप तो अभी आई है, प्रियंका गांधी तो अभी आई है, हम लोग तो यहाँ पहले देखा ही नहीं प्रियंका गांधी ने। रोड देख सकते हैं उनको तो, सिंह जी चौहान के राज में मध्य प्रदेश के एक एक रोड को आप देख सकते हैं, नहीं तो दिग्विजय के टाइम पे गड्ढे में रोड या सड़क ऐसी स्थिति थी पूरे, मतलब गड्ढे ही गड्ढे थे, आज आप देख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी नहीं आएगी कांग्रेस अभी एमपी। राहुल गांधी कह रहे हैं 150 सीट आ रही है, एक भी कम नहीं, 149 भी नहीं, 150। नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी तो अब सपने में ही कह रहे होंगे, एक्चुअल में कुछ नहीं ऐसा, क्योंकि कमलनाथ और इसके बारे में, दिग्विजय सिंह के बारे में हमने देखा है पहले। कमलनाथ जी ने 1.5 साल में 900 वादे किए थे, तो कुछ 100-150 तो पूरे किए होंगे। कुछ नहीं किया, बेवकूफ बनाया था। दिग्विजय सिंह का राज भी देखा है सर जी, इंदौर में इतने गड्ढे होते थे, पेम्पलेट छपते थे, स्कूल जब जाता था ना मैं तो 7 बजे से 8 बजे तक रोज लाइट जाती थी, पेम्पलेट छपते थे, हमारी फेयर कॉपी पूरी नहीं हो पाती थी, हमने वो सरकार भी देखी है।
बीजेपी के राज में जब से बीजेपी सरकार बनी एमपी में जब तक चहुमुखी विकास हुआ है, सड़कें, बिजली, पानी और तो और हर युवा पीढ़ी, हर गरीब वर्ग भी आगे ही बढ़ा है। बीजेपी ने विकास ही किया है, बीजेपी ही किसी पार्टी तो रहता ही है। 20 विकास के साथ साथ देश के साथ साथ एक सनातन धर्म जो हमारा धर्म है, धर्म के प्रति भी जो जागरूकता हो रही है। प्रियंका गांधी तो कह रही है कि 4 लेन सब दिग्विजय सिंह ने बनाए थे। पहली बात तो 3 दिन पहले जो प्रियंका गांधी जी आई थी, गड्ढे गड्ढे हो चुका है उनका रोड शो ही फ्लावर हो चुका है। पहली बात तो देखा आपके, हमको मोदी जी का रोड शो तो कितनी जरूरत है, हमारे मन में ही मोदी है। पूरे इंदौर के, पूरे मध्य प्रदेश के निवासी के एक 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 जनसंख्या, पूरे हिंदुस्तान के मन में मोदी है सर जी। वंदे मातरम, जय श्री राम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी की वजह से सब राज में मस्त है। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं 150 सीटें ला रहा हूँ, एक भी नहीं ला पाएंगे यहाँ तो। पप्पू है कुछ नहीं ला पाएगा। वो तो कह रहे युवा हमारे साथ है, आप कह रहे हो बीजेपी। मैं तो उनके साथ नहीं, और कोई भी युवा उनके साथ तो नहीं है। हिंदुस्तान का युवा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को वोट देगा, बीजेपी को वोट देगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदू राष्ट्र बना के रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने, बीजेपी ने काम भी किया है, हिंदुत्व को जिंदा भी किया है, और मोदी जी ने हर हिंदू इंसान के मन में, दिल में, आत्मा में एक नया मोदी पैदा कर दिया है। इंदौर के कांग्रेस के बड़े नेता जीतू पटवारी, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने दो, ये लाडली बहना योजना, सीखो कमाओ योजना, सब एक ही झटके में बंद कर देंगे। जो भी है मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ मोदी भक्त हूँ, बीजेपी भक्त हूँ, और बीजेपी है तो देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ और सिर्फ आज अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद है तो बीजेपी और मोदी जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने वो काम किया है। अच्छा, सबके पास आऊंगा, एक आखिरी कमेंट आपसे। आपने कहा मैं मोदी भक्त हूँ, आपने कहा मैं बीजेपी भक्त हूँ, अभी कमेंट बॉक्स में आएगा अंधभक्त, अंधभक्त भी बोला जाएगा आपको। बोलने वाले बोलते रहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों का काम है कहना। अगर ये चीज अगर लोग कहते रहते और ये मोदी जी सोचते या बीजेपी सोचती, तो आज हिंदुस्तान इतना आगे नहीं बढ़ पाया होता। आज हिंदुस्तान की इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के रास्ते ना तो निकले होते और ना बदली होती, इतनी सारी सॉल्यूशंस नहीं आए होते, नई प्रॉब्लम्स कम हुई होती। आज बीजेपी की वजह से, मोदी की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स खत्म हुई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए राहुल गांधी जी के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो ना बहू मिल रही है ना बहुमत मिल रहा है। क्या बात बोल दी अंकल ने, क्या ना बहू मिल रही है ना बहुमत मिल रहा है। सीधा सा है, उनका बोरिया बिस्तर बनने वाला है, वो अपने घर में आप ही जाने वाले, पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी आने वाले। वो लेकिन लालू यादव तो कह रहे थे आप बारात लेके निकलो, हम बाराती बन के चलेंगे। वो क्या है, वो जो हिंदू बनते ना, वो क्या सिर्फ अपने वेकेशन आता है, अपने जैसे आप खुद भी समझते होंगे, वो मतलब वेकेशन के हिसाब से हिंदू बनते हैं। आप सावन के महीने में मटन बनाना सीख रहे लालू यादव से, ये हिंदू सभ्यता है क्या? ये हिंदू फिर माल कहीं तो बाहर निकालेंगे। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा महेश वर्मा। हाँ जी, आप बताइए महेश। बस आप तो दोनों सरकारों में क्या फर्क नजर आया, दिग्विजय सिंह और शिवराज सरकार में? आपको आम जनता हो आप तो बताइए। शिवराज सरकार में ये है कि सब विकास हो रहा है, दिग्विजय सिंह के सरकार में भंटा डाल था पूरा दिन, क्या लाइटें ही नहीं थी क्या? सही बोल रहे हैं सर ये? हाँ लाइट नहीं थी। आप बताइए। हाँ सही बोल रहे हैं बिल्कुल। आपने भी तो देखा है दिग्विजय सिंह? देखा। हाँ बंद हो, रुके रुके रुके, क्या नाम बताइए आपका? ललित चौहान। ललित जी कहाँ के रहने वाले? इंदौर के। इंदौर के। हाँ बताइए क्या कर रहे हैं? 6 बजे हमेशा दुकानें बंद होती थी उस समय, दिग्विजय सिंह के समय में। क्यों 6 बजे क्यों बंद करते थे? लाइट संकट की वजह से। अरे वो तो कह रही है कि हमारे, हमने फ्री लाइट दिया, सब दिया, प्रियंका गांधी कह रही है झूठ, सबसे बड़ा झूठ। और शिवराज सिंह चौहान के इसमें, जैसे ही उनकी सरकार बनी थी, पूरे आज 24 घंटे इंदौर में, मध्य प्रदेश में बिजली मौजूद है। कौन कौन बढ़िया नेता, कमलनाथ है या शिवराज सिंह चौहान है? कांग्रेस तो सिंह चौहान है, कौन है बढ़िया नेता? मोदी जी, मोदी जी। मोदी जी हाँ, मोदी। नाम आपका? श्याम कुमार खंडेलवाल। कितने साल के हो? 73 साल का हूँ मैं। 73 साल? हाँ। आवाज तो जवानों से भी बुलंद है आपकी। आवाज तो रहेगी ना साहब, मोदी जी के राज में आवाज नहीं रहेगी क्या रहेगा? बढ़िया है मोदी जी? बढ़िया बढ़िया साहब, एक नंबर। राहुल गांधी कह रहे हैं आप मौका दो, कांग्रेस को लाओ, पंजा लाओ। नहीं नहीं लाना नहीं है, हमारे तो मोदी जी आएंगे पक्के में। लेकिन ऐसा कैसे हो, कांग्रेस तो कहती है पुराना वोटर सारा हमारा। वो तो बोलते तो कांग्रेस को वोट दिया होगा। बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे हम तो। हाँ कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है, इंदौर से हूँ। यूक्रेन और रूस का युद्ध भी रोकने के लिए अमेरिका जैसे लोग युद्ध नहीं रोक पाए, मोदी जी को आना पड़ा बीच में, और अभी जब भी समझौता होगा मोदी जी पहले बीच में रहेंगे, इसलिए मोदी फॉलोअर है, मोदी जी को वोट देंगे।
मोदी फॉलोअर है, मोदी जी को वोट देंगे। देखिए आपको यहाँ नजर आएगा बच्चे भी छोटे छोटे आए हैं यहाँ साथ में है। क्या नाम आपका? नाम संदीप यादव। यहीं के रहने वाले हैं जी? यहीं के रहने वाले। किसके साथ हैं यादव जी? हम इस बार क्या हमेशा ही बीजेपी के साथ रहेंगे। हमारे दादाजी भी बीजेपी के साथ थे, हमारे पिताजी भी बीजेपी के साथ थे, और हम भी और हमारे आने वाले बच्चे भी बीजेपी के साथ है। राहुल गांधी तो कह रहे 150 सीटें ला रहे हैं हम यहाँ पे। राहुल गांधी जी तो कुछ नहीं है यहाँ पे, इंदौर में तो कुछ भी नहीं है और एमपी में भी नहीं है, और 2024 में नरेंद्र मोदी जी है। आप बताइए युवा। हम बताएं, जब से मोदी जी आए जब से विकास विकास हो रहा है, और जब से अयोध्या का जो युद्ध लड़ सका वो केवल मोदी जी में ही ताकत थी। बाकी कोई भी ऐसा नेता नहीं आया जिसने अयोध्या का युद्ध लड़ के जीता हो। ये मोदी की ताकत है, मोदी रहेगा तो देश में विजय ही रहेगी हमेशा।